नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं कहां की यात्रा पर निकलने वाला हूं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मैं आज जो मेरी यात्रा आज से शुरू होने वाली है, ये यात्रा लगभग जो मेरी 8 दिन की होने वाली है। मैं 8 दिन की यात्रा में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अयोध्या जाऊँगा, अयोध्या के बाद मैं बिहार जाऊँगा, बिहार के बाद मैं नेपाल जाऊँगा, नेपाल के वापस आके मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करूँगा, वापस मैं फिर मिर्ज़ापुर जाऊँगा, मिर्ज़ापुर जाने के बाद मैं इलाहाबाद प्रयागराज भी जाऊँगा। मैं ये सारी ट्रिप करने वाला हूँ। लगभग मैं आप आज से अपने घर से लगभग 8 दिन जो है घर से बाहर रहने वाला हूँ। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर ये सारी प्लेसेस आपको अगर देखनी है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज से मैं मेरी जर्नी जो है वो शुरू होने वाली। मैं अभी जो हूँ अपने घर पर हूँ। मेरी बस जो है रायबरेली में जिले में रहता हूँ, तो रायबरेली से मेरी जो है वो बस है इंद्रनगर पे, इंद्रनगर RD कॉम्प्लेक्स के पास मेरी बस मिल जाएगी। उसी बस से मैं सारी यात्रा करने वाला हूँ। बाकी मैं चलता हूँ, अपनी जर्नी दिखाता हूँ। चलते घर वालों से आशीर्वाद लेते हैं और अपनी जर्नी को शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताइए कि सबसे पहले जो है आशीर्वाद अपने माता पिता से लेके हम लोग यात्रा पर निकलने वाले। जय जय श्री राम। चलते हैं दोस्तों लड्डू गोपाल के अपने दर्शन करते हैं, दर्शन के बाद अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मेरी ट्रिप है, मैं सबसे पहले जो हूँ अयोध्या आज जाऊँगा, अयोध्या में रामलला और हनुमान जी के आज दर्शन करूँगा, उसके बाद मेरी जो है आगे की यात्रा शुरू होगी। फिलहाल जो मैं 8 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो लगभग मेरे जो है ये डेली ब्लॉग मैं करूँगा, डेली ही ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा कि मेरे लाइफ में क्या अपडेट चल रहा है। फिलहाल अभी मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं, मैं अपने साथ जो है वो अभी कैंपिंग टेंट ले जा रहा हूँ अपने साथ। एक मेरे गैजेट सारे इसमें हैं, मेरा पावर बैंक, मोबाइल, चार्जर सारे इसमें भरे हुए हैं। इस पे कुछ खाने के सामान है, मैं इसमें खाने को सामान अपने लिए डाल रखा हूँ, खाने के सामान भी इसमें डाल रखा हूँ। मैं पहली बार जो है, अभी तक मैं लगभग सारे पिट्ठू बैग लेके जाता था ट्रैवलिंग करने के लिए, लेकिन अब की बार जो है वो मैं ट्रॉली बैग लेके अपने साथ जाने वाला हूँ। हल ट्रॉली बैग ले जाने के पीछे भी रीजन है कुछ थोड़ा सा, मैं आपको बताऊँगा अगले, मतलब ट्रॉली ले जाने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि मेरे उसमें क्या है ना कि मैंने उसमें अपना DSLR वगैरह कैमरा वगैरह डाल रखा है, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी फोटो जाऊंगा, नेपाल जाऊंगा तो अच्छी अच्छी फोटो भी क्लिक करूंगा। चलते हैं फिर नीचे, मम्मी पापा के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपनी जर्नी को जो है शुरू करते हैं। हम लोग रायबरेली पहुंच चुके हैं, जहां से मेरी बस मिलनी है। मैं अभी उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, देख सकते हैं सामने ये मेरी जो बस खड़ी हुई, इसी बस से हम लोगों को अभी ट्रेवल करके जाना है अयोध्या नेपाल। हम लोग इस बस से जाने वाले हैं। दोस्तों अभी हम लोग लगभग रायबरेली से लगभग जो है 80 किलोमीटर समथिंग जो है हम लोगों ने यात्रा कर लिया है, क्योंकि अभी रास्ते में जो है अभी बाथरूम जाने के लिए, चाय वाय पीने के लिए हम बस को जो है रुके हुए हैं रास्ते में, एक ढाबा पे रुके हुए हैं। ये देख सकते हैं पीछे, ये इधर मेरी बस खड़ी हुई है और ये राइट साइड में देख सकते हैं एक सैनी ढाबा रेस्टोरेंट करते हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं। जिसको चाय नाश्ता करना चाय नाश्ता कर सकता है, जिसको वाशरूम जाना वाशरूम जा सकता है। वो लगभग ये बस हमको लग रहा है कंटिन्यू 2 घंटे से लगभग चल चुकी है, अभी समथिंग जो है 1 घंटा और लगेगा अयोध्या पहुंचने में हम लोगों को। तो अभी ढाबे पे सारे लोग जो हैं वो भी नाश्ता पानी कर रहे हैं, वास्तव कुछ लोग गए हैं। अभी रास्ते में रुके हुए थे चाय पीने के लिए, तो ढाबा में मैंने टोकन लिया है, टोकन दे सकते हैं। तो 3 चाय का जो है 15 रुपये पर हिसाब से चाय मिल रही है यहाँ पर। इधर हम लोगों ने टोकन लिया, टोकन लेने के बाद इधर साइड में हम लोगों को चाय मिल रही है, यहीं से हम लोग चाय लेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो अयोध्या हम लोग पहुंच चुके हैं अभी,
आप देख पा रहे हो जो मेरे पीछे है, ये अयोध्या का जो है यहाँ का एंट्रेंस गेट है। आप लोगों ने जो टीवी पे देखा होगा प्रचार, जब टीवी पे इसका वो दिखाया था उद्घाटन वाला समय दिखाए थे, यही अंदर का ही जो सारा था वो सारा यही का लुक जो आपको दिखाए थे। दोस्तों जैसे देख पा रहे हो ये मेरी बस उधर साइड में खड़ी हूँ और ये जो है यहाँ का एंट्रेंस गेट है, यहीं से हम लोग जो है अयोध्या में हनुमानगढ़ी जी के और अयोध्या में राम जी के दर्शन करने के लिए अंदर ही एंट्री करेंगे। आप सामने देख पा रहे होंगे यही जो सारी इसमें लाइटें लगी हुई खंभे पे, यही हम लोगों को जो है टीवी पे देखने को मिली थी। बस जो मेरे पूरी दर्शन में खड़ी है क्योंकि यहाँ पे जो है शहर की एंट्री है जो अभी नई एंट्री है, बात करने गए शायद एंट्री लोगों को मिल जाए, हो सकता है मिल भी सकती है, हो सकता है नहीं भी मिले, देखते हैं ये सब होता है लोगों को एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। Losing.